माय किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और बैंगन की सब्जी। उसके लिए दो बैंगन लिए हैं और तीन आलू लिए हैं, दो प्याज छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, दो टमाटर कद्दूकस में कर्स कर लिया है। आलू और बैंगन को मैंने काट लिया है और उनको पानी में डाल दिया है। पानी में इसलिए डाला है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। एक बड़ा चम्मच तेल लिया है, उसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम आलू डालेंगे। पानी में से आलू को निकाल लिए हैं छलनी में, अब हम डालेंगे आलू कढ़ाई में और इनको 50% तक पकाएंगे। आंच को स्लो कर देंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे और ब्राउन कलर होने तक तलेंगे। पलटते रहेंगे आलू को, हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन कलर के हो चुके हैं आलू। अब हम देखेंगे कितने पके हैं, 50% पक चुके हैं। अब हम निकालेंगे आलू को, अब आलू को निकालेंगे छलनी की मदद से निकाल लेंगे। सभी आलू को इस तरह से छलनी में निकाल लेंगे ताकि ऑयल निकलना तो इसमें निकल जाएगा प्लेट में। अब हमने बैंगन को भी पानी, बैंगन का भी पानी निकाल लिया है, अब इसको भी कढ़ाई में डालेंगे और 5 मिनट के लिए तलेंगे। इसको सिर्फ 10% ही पकाना है। बैंगन को सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे। पलटते रहेंगे, अब हम चेक करेंगे। बैंगन कितने पके हैं, हमारे 25% बैंगन पक चुके हैं, अब हम इन्हें भी निकालेंगे। अब हम इसी तेल में मसाले डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, थोड़े से सरसों के दाने आधी चम्मच के करीब, आधा चम्मच सौंफ पकने देंगे। जीरा और सरसों के दाने पक चुके हैं, अब हम डालेंगे प्याज, लहसुन डालेंगे, ब्राउन कलर होने तक पकाएंगे। तेल में और नहीं डालना है, इतने ही तेल में काम चल जाएगा। प्याज ब्राउन कलर के हो चुके हैं, अब हम डालेंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, इन्हें भी पकाएंगे। अब हम डालेंगे टमाटर, जो मिक्सी जार में पेस्ट बना लिया था, मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला है। टमाटर के पेस्ट वाली कटोरी से ही डालेंगे और सभी मसालों को पकने देंगे। हम तब तक पकाएंगे जब तक साइड को तेल नहीं निकल आता। स्लो आंच करके ढक के पकाइए। ये देखिए हमारे सारे मसाले भी पक चुके हैं, अब हम डालेंगे आलू। बैंगन अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अगर लिक्विड बनानी है तो आप पानी को गर्म करके डालिए, तो जितना भी आप डालना चाहते हो।
स्वाद अनुसार नमक डालिए और डालेंगे कसूरी मेथी। कुछ तो आलू बैंगन पक चुके हैं, अब स्लो आंच करके 5 मिनट पकाएंगे। बीच में एक बार पलट दीजिए, 2 मिनट में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, जो गर्म पानी है, ताकि कढ़ाई पर सब्जी ना लगे। बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, आधा चम्मच। सूखी बनानी है तो ज्यादा पानी मत डालना। ठंडी सब्जी में हमेशा ठंडा पानी डलता है, और गर्म सब्जी हो या पक रही हो तो उसमें गर्म पानी ही डालना, चाहे कोई भी सब्जी हो। सब्जी पककर तैयार है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है।